हेलो फ्रेंड्स, संधु एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारा संधु आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं भूपेंद्र मान जी के यहां पे, जिनके पास इतने अच्छे हस्कीज़ हैं जो कि पिछले 3 साल से हस्की ब्रीड की ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज हस्की ब्रीड के बारे में। भूपेंद्र भाई, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो, उसके बाद अपने हस्कीज़ के बारे में बताओ। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र मान है। मैं पिछले 3 साल से ब्रीडिंग कर रहा हूं और हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बच्चे होते हैं। मेरा पहले काम था कि मैं पहले अपनी जॉब करता था और जॉब के साथ साथ मैं अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहता था। जब मैं बच्चा था तभी से मैं बच्चों को तो मैं बड़ा शौकीन रखता पालने का। मेरे घर वाले भी हमें मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। पहले मैंने अमेरिकन बुली रखा, फिर मैंने और दूसरी ब्रीड रखी, पर मेरे को सबसे सुंदर ब्रीड साइबेरियन हस्की लगी। एनर्जेटिक है और गार्डिंग का कोई ऐसा वो नहीं है इनमें कि ये गार्ड करते हो या फिर लवेबल पेटेबल है ये सारी ब्रीड। मेरे पास अभी जो है 8 अडल्ट डॉग है और उनके बच्चे भी है। अभी हमारे पास 4 बच्चे हैं। इनके कोट साइबेरियन हस्की के कोट के अकॉर्डिंग ही बच्चे होते हैं। वुली कोट है, स्टैंडर्ड कोट है, सेमी वुली है। अभी इसमें हमारे पास 1 वुली कोट का है और 3 जो है स्टैंडर्ड कोट के बच्चे हैं। तो भूपेंद्र भाई, आप 3 साल से हस्की ब्रीड में ही ब्रीडिंग करा रहे हैं। हाँ जी। तो अराउंड अभी तक कितने बच्चे आपने 3 साल में ले लिए होंगे? और मैं देख रहा हूँ आपके पास जो है यहीं की ब्रीड है। हाल में कितनी बार बच्चे लेते हैं आप हस्की के? देखो सर, ऐसा है, पहले तो हम साल में 1 ही बार बच्चे लेते हैं जी, ठीक है। और साल में जैसे भी है उसमें बीच में एक बच्चे लेके और एक हिट मिस करा देते हैं, जो कि उसको बच्चे जो है उसकी मदर जो है अच्छे से रिकवर कर ले और उसकी डाइट का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। तो एक टाइम जैसे गर्मी में सुबह मॉर्निंग में दही लस्सी छाछ ये दी जाती है, फीड दिया जाता है, शाम को नॉनवेज दिया जाता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर बनता है उसी के हिसाब से इनको मेंटेन किया जाता है। साथ में जैसे गर्मी ज़्यादा हो गया है तो एसी में रखा जाता है। अगर थोड़ी सी हल्की जैसे टेम्परेचर 25-30 के आसपास है तो कूलर में भी रह सकता है। अगर 30 से ऊपर जाता है तो एसी में रखना पड़ता है इनको, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है इनका। सबसे बड़ी बात आपके, मैं देख रहा हूँ अभी किसी भी डॉग के आपने बाल नहीं उतरवा रखे, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि हस्की परेशान रहता है गर्मी की वजह से, लोग बाल उतरवा देते हैं, फिर उन्हें स्किन एलर्जीज होती हैं बाल उतरवाने की वजह से उनके, ठीक है। तो आपने बाल नहीं उतरवा रखे, ना आपने एसी लगा रखे, आपके नॉर्मल अभी भी आपके पीछे कूलर लगे हुए हैं, ठीक है, कूलर में ही आपने रखे हुए हैं। तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम आई कूलर में रखने में? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। वो टेम्परेचर के हिसाब से जैसे गर्मियों में महीने में 2 महीने ऐसे होते हैं, जून जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, देन हम इसको एसी प्रोवाइड करते हैं। वैसे कूलर में आराम से बच्चा रह सकता है जी, स्टैंडर्ड कोट में भी। ये माइनस टेम्परेचर में रहने वाला है? नहीं, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में रहता था पहले ये साइबेरिया में। वहाँ की ब्रीड है, वहीं से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे रख रहे हैं 20-25 में हम आप रख रहे हैं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की दिक्कत आपको आई हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमें, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब जैसे भी अब हस्की जो है इंडिया में मिल रही है, इजीली मिल जाती है, पर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बड़ी मिलनी बड़ी मुश्किल होती है आज के टाइम में। टेम्परेचर सबसे बड़ी, इनका टेम्परेचर के होता है, अगर आपने कैसे ना कैसे करके टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया तो आप समझ लो आप ये रख सकते हो। और उसके अलावा इसकी डाइट का, इनकी डाइट सबसे पहले मस्ट है। डाइट में आप क्या दे रहे हो? नॉन वेज दिया जाता है कि इनका हेल्थ जो है उसमें प्रोटीन होता है, और इसमें मिर्च और हल्दी, मिर्च हो गया अपना, मीठा नमकीन ये नहीं दिया जाता है इनको, ये कभी भी कुत्तों को नहीं दिया जाता। वैसे आप डॉग फूड जो पैक्ड डॉग फूड होता है वो भी खिलाते हैं इन्हें? हाँ खिलाते हैं। कौन सा खिलाते हैं? सर हम जो है अपना अभी सुपर कोट चला रहे हैं इनका। सुपर कोट का होता है, और कभी कभी हम पेडिग्री भी दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम के हिसाब से फूड चेंज करते रहते हैं। आपके हाथ में इतने अच्छे वूली कोट के बच्चे हैं, इनके बारे में बताइए कि इनके जो सर ऐसा है, फादर जो है और मदर जो है दोनों ही इम्पोर्ट है इसके, ब्लैक वाले की, और इसके जो फादर है वाइट वाले का ये थाईलैंड इम्पोर्ट है। मदर जो है मेरे पास थी और फादर जो थाईलैंड इम्पोर्ट था, तो ये दोनों ही इम्पोर्ट ब्लड लाइन के है। और साथ में ये देख सकते हो मेरा अभी जो है 9 महीने का बच्चा है मेरा थोर, ये भी थाईलैंड इम्पोर्ट से का सन है, पीटर लाइन का बच्चा है ये। जैसे ये एक एनर्जेटिक ब्रीड है,
बहुत एनर्जी है स्कीम में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइबेरिया में ये बाल की खींचते थे बर्फ में, ठीक है, तो उनकी एनर्जी कैसे निकालते हैं आप, क्योंकि आप तो अभी घर में कर रहे हैं। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाती है 4 बजे के आसपास और अपना खुला पानी करके इनको फिर हम लेके बाहर निकल जाते हैं, और जितने भी इनमें वो होती है एनर्जी होती है पार्क में, हम खुद दौड़ते हैं इनको, इनको भी साथ में लेके दौड़ते हैं, तो हमें भी पसीना आता है और इनको भी पसीना आता है। सुबह 4 बजे उठते हैं आप? हाँ जी, सुबह 4 बजे उठते हैं इनके लिए, और शाम को जो है थोड़ा यह दिन ढल जाता है, सूरज छिप जाता है, उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं। पूरा दिन मेरा इन्हीं में चला जाता है जी, मैं पूरे दिन इन्हीं में ही लगा रहता हूँ कि इनको कोई दिक्कत ना हो बस। तो जैसे आपने बताया कि आप जॉब करते थे पहले? हाँ जी, हाँ जी। तो जॉब छोड़ के अब आपने इसको अपना साइड बिजनेस या मेन बिजनेस बना लिया है? बिल्कुल ही इसी लाइन में मैं आ चुका हूँ, पहले मैंने जॉब छोड़ के अब मैं बिल्कुल ही इसी लाइन में आ चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं इनकी केयर नहीं करूँगा तो फिर मेरे को मेरा दिल नहीं लगता इनके बिना। आपके पास अभी 8 अडल्ट डॉग हैं और अभी 5 पपीज हैं? हाँ जी। और बाकी भी डॉग हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो मंथली का खर्चा क्या रहता है सर? खाने पीने का मंथली का खर्चा सर ऐसा है, देखो अभी कोई हमने ध्यान दिया नहीं है इस पर ये है 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली खर्चा आ जाता है, क्योंकि इनका बिजली का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, और अपना और भी एक्स्ट्रा खर्चा डेली का नॉन वेज आता है, 1000-1000 रुपये का नॉन वेज आ जाता है, और उस पर भाई ऊपर से दलिया हो गया, चावल हो गए, ये अलग चीज़ है, फीड हो गया अलग से, इतना महंगा खर्चा है, फिर घुमाने का भी है इसमें, ये टोटली खर्चा ये है कि हम मैक्सिमम हम 70% इन्हीं के ऊपर लग जाता है हमारा जो है, हमारी जेब में सिर्फ 30% आता है। तो खिलाते हैं तो है, इनकी डाइट भी अलग ही होती है, जो बच्चों की डाइट अलग होती है हम बड़ों की डाइट अलग रखते हैं, बच्चों की डाइट जो हम जेब में 4-5 बार खाना देते हैं बच्चों, बड़ों की है 2-3 बार देते हैं हम, जिनको ज़्यादा भूख लग जाती है उनको 3री बार भी दे देते हैं, वरना सुबह शाम हम खाना देते हैं इनको। और भी अलग अलग खर्चे हैं, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, कोई बीमारी आ जाए तो उसका अलग से खर्चा होता है। वैसे तो हम टाइम टू टाइम वैक्सीन इनका करते रहते हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं हम, कोई भी आकर हमसे कोई रिकॉर्ड पूछता है हम तुरंत दिखा देते हैं, जी ये देखो हमारे डॉग की हर टाइम टू टाइम वैक्सीन हो हुई है, और इनकी भी वैक्सीनेशन हो रही है, अभी इसकी 2 वैक्सीन हो चुकी है, इसकी भी 2 वैक्सीनेशन हो चुकी है साथ के साथ। तो ऐसी है, वैक्सीन का भी अलग से खर्चा होता है, हम महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी वैक्सीन लगवाते हैं, ये नहीं है कि हम खुद आके और अल्लाह भाई 200 रुपये का केमिस्ट से लेके आए 250-300 रुपये का और वैक्सीन लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम अच्छे डॉक्टर में जाते हैं, और ऊपर से हमारा जिसमें ये रखा है उसका भी अलग से खर्चा, उनका फ्लोर है इतना महंगा कि रेंट का किराया है वो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये उनका रेंट का किराया होता है, वो भी अलग से है उनका, हम रेंट ना दे के हम इन्हीं को रखे हुए हैं, यही हमारा परिवार है, यही हमारी फैमिली है। मतलब अपने घर में 2 फ्लोर आपने कर रखे हैं इनके लिए? हाँ जी, हाँ जी। आप चाहते तो रेंट पे दे सकते थे? हाँ, हम चाहे तो रेंट पे दे सकते हैं, रेंट वाले आते हैं पर हम मना करते हैं। मतलब प्राइम लोकेशन में घर है आपका? हाँ जी, आप दे सकते हो? हाँ जी। तो अभी आपके हाथ में है बच्चे दोनों, क्या प्राइस रेंज होगी इनकी? सर इनकी प्राइस रेंज दोनों ही अलग अलग रेंज की है, ये ब्लैक एंड वाइट का है, ये एक्चुअली में हम नोट फॉर सेल है, ये अच्छा। हम सेल नहीं कर रहे हैं और हम इसका सोच रहे हैं हम इसको सेल कर देंगे, और भी हमारे पास बच्चे हैं तो ये हमारा प्योर वाइट एम्बराइज में हम आपको दे देंगे 45,000 रुपये में, अगर आपके कोई रिकमेंड आप करते हो, कोई आपकी तरफ से कोई पार्टी आती है देन हम उसको नेगोशिएबल हम कर लेंगे, फिर आपकी तरफ से 45,000 है इस बच्चे का और नेगोशिएबल। अभी 3 बच्चे हो रहे हैं आपके पास इसी के भाई, तो उनका क्या प्राइस रहेगा सर? उनका जो प्राइस है वो होगा स्टैंडर्ड कोड में, उनका रेट होगा नेगोशिएबल में हम 40,000 रुपये का बच्चा रखा। हमारी ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया में देखी जाएगी? हाँ जी। तो आप डिलीवरी भी कराएंगे अगर कुछ चाहिए हो? कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हो जाती है पर डिलीवरी चार्ज अलग से लगती है उनका। वैसे दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको डॉग लेना है इनसे तो आप खुद आएँ, इनसे मिलें, इनके स्टैंडर्ड्स देखें, ठीक है, इनके माँ बाप देखें बच्चों के, बिल्कुल, उसके बाद इनके घर से लेके जाएं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसी में आपको एक ट्रस्ट तभी बनता है आदमी, बिल्कुल। हालांकि इनके यहाँ कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। देखो ऐसा है, हम सबसे पहले तो हम दूसरे के बच्चे नहीं भेजते, और हमारे पास पूरे 2400 दिन हमारे पास बच्चे नहीं रहते यार, हमारे पास 2-3 महीने में एक बार बच्चे होते हैं, टाइम लगता है और टाइम के हिसाब से हम बच्चे बुक करते हैं, देन हम बच्चे सेल करते हैं। हमारे पास आपको एट अ टाइम हमें बोला गया कि नहीं मेरे को अभी चाहिए तो नहीं मिलेगा उसको, 2-3 महीने
लगते ही लगते हैं बच्चे होने में। जी जी। और 2 से 3 महीने में ही हम बच्चा प्रोवाइड करते हैं। बच्चा जब तक 40-45 दिन का नहीं हो जाता, बच्चा बिल्कुल हट्टा कट्टा नहीं हो जाता, वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हम बच्चा नहीं सेल करते हैं। हाँ, अगर कोई बुक कर सकता है तो बुक कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा 40-45 दिन का ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में भूपेंद्र मान भाई। आशा करता हूँ आपको इनके डॉग्स पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।